कर सकते हैं चाचा जी, जरूर कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी आंखें खोल दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की पार नहीं होती। बराबर है, हम सब लेडी घर चला सकती है तो खुद के लिए घर को बना भी सकती है। ऑफ कोर्स। हां है भाभी, और मेहनत करके सुंदरता से सजा भी सकती है। बिल्कुल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हम कारीगरों का इंतजाम कर ले तो हम तुरंत अपने रिनोवेशन का काम शुरू करा सकते हैं, और दिवाली पे तो हम अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आइडिया है जी, और रेनोवेशन पूरा करने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो हम सब मिलके करेंगे। यस, और थैंक यू चाचा जी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आइडिया दिया। अरे भाई थैंक यू, अरे भाई थैंक यू, मुझे मत कहो, टप्पू सेना को कहो। इन्होंने हिम्मत दिखाई है तभी तो हम में हिम्मत आई है। थैंक यू टप्पू सेना। बापू जी। टप्पू सेना थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, जो हमारे रिनोवेशन की एक कमेटी बनी थी जिसमें जेठालाल, भिड़े और बबीता जी हैं, इस कमेटी के सुपरविजन में हम रिनोवेशन का काम करवाते हैं। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, तैयार है जेठालाल, कल सुबह ठीक 8 बजे हम लोग नाके पे जाके कारीगर को लेके आएंगे, तो तुम तैयार है ना? लेट मत हो जाना। अरे तू चिंता मत कर, तुझसे पहले मैं नीचे तैयार होकर खड़ा रहूंगा। जेठालाल पक्का टाइम से कल आ जाना, क्योंकि कारीगर एक बार चले जाएंगे ना सुबह तो फिर कल का दिन पूरा बेकार हो जाएगा। अरे भाई कुछ बेकार नहीं होगा, तुम हमेशा नकारात्मक बात क्यों करते हो भाई? ओ पप्पू, तू हमेशा उल्टी बात ही क्यों करता भाई? अरे भाई कारीगर निकल नहीं जाए इसलिए जल्दी आने के लिए कह रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हें रेनोवेशन की जितनी चिंता है ना, उससे डबल चिंता हम सबको है। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में अकेले हो। हर घर में यहाँ दो दो तीन तीन चार चार लोग रहते हैं। अगर टाइम पे रेनोवेशन नहीं हो ना तो तुमसे ज्यादा तकलीफ हम सबको है। अरे भाई सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन टाइम पे आ जाना। अरे ये आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा। चाचा जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने हम सबका हौसला बढ़ाया। अब देखना कल से काम शुरू हो जाएगा। फतेह करो, फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहा। बबीता जी ये चैलेंज है, हा? अरे ऐसा कुछ नहीं है जीठा जी, पर हाँ हम सबको मिलकर इस चैलेंज को पूरा करना है ना? हम इस रिनोवेशन को दिवाली के पहले पूरा करके ही रहेंगे। बोलो श्री अम्बे माता की जय। हे टप्पू के पापा, कल कारीगर आएंगे और काम शुरू कर ही देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मस्त होकर सो जाइए। अरे क्या मस्त होके सो जाइए, होगा होगा होगा, ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा काम। हम सब ने जोश में आके बापूजी की बात मान तो ली कि हाँ हम कारीगर लेके आएंगे, लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे टप्पू के पापा देखिए, हमारे पास रेती, सीमेंट, टाइल और घर की पूरी डिजाइन तैयार है। अब हमें सिर्फ बाहर से कारीगर भाइयों को लाना है और काम शुरू कर देना है बस। हाँ पर ये दाल ढोकली बनाने जितना आसान काम नहीं है दया, एक तो कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है, और मान ले अगर मिल भी गए तो उनको संभालना, उनसे काम निकलवाना, उसके लिए हमारे अंदर एक अलग प्रकार की कारीगरी होनी जरूरी है। आप भी कोई कम कारीगर थोड़ी ना है मेरे अजगर। अजगर? मेरे बाजीगर। देखिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी बड़ी दुकान को इतनी साइंस से चलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपको देखकर कोई कह सकता है कि आप सिर्फ चार चपड़ी पड़े हैं? मेरा मतलब है कि आप में इतनी बुद्धि है, बुद्धिमान, कि आप पढ़े लिखे लोगों को भी टक्कर मार सकते हैं। तो अब ये आपकी कारीगरी नहीं है तो और क्या है? अरे टप्पू के पापा, किसी अंजाम को अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल तो उस अंजाम को नींद के खूबसूरत मोड़ के अंजाम पर छोड़कर सो जाना ही अच्छा। अरे एक मिनट ओ, तू ये अंजाम की छुक छुक घड़ी चालू करके क्या सो गई, क्या बोल गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक मिनट समझा। अरे आप
सो जाइए क्योंकि अंजम भी सो गया है और मैं भी सो गई हूँ। तू सो गई है? बाहर से आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं घस घसाट सो गई हूँ। चलिए चलिए आप भी सो जाइए क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर कारीगर भाइयों को बुलाकर आपको एक नई कारीगरी को अंजाम देना है। जय अंजाम, जय भवानी, 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 जय अंजाम, जय भवानी। बस बस अजून नहीं आला, आज पण लेट। ओ जेठालाल, अरे कहाँ रह गए भाई, आज भी लेट? अरे कल तो बोल रहे थे कि तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, क्या हुआ उसका? ओ जेठालाल, जरा जोरात बोलवा। जेठालाल तुम आ गए? तुमसे पहले, और आके तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अरे वाह वाह, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। तुम भी आजकल अपना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे, लेट पे लेट। मैं कब लेट हुआ? क्यों, गणपति में मूर्ति लेने जाना था तभी नहीं लेट हुए थे? अरे देवा, अरे काए, वो गणपति विसर ले, तुम्हें पण विसरा था, कितनी बार याद दिलाओगे मुझे? अभी जाते ना लेबर नाके पे, लेट हो जाएगा भाई, लेबर चले जाएंगे वहाँ से। चलो चलो। ओ भाई एक मिनट, जा चलो चलो भाई। अभी तक बबीता जी कहाँ है? वो भी कमेटी में है ना, उनको आने दो। हाँ तो जाते थे, उनको बुलाते, चलो। आओ बराबर, ऐसा बोलो तो सीधा चलो चलो। नहीं वही, गुड मॉर्निंग आदमरम, गुड मॉर्निंग जय डालन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो चलते। एक मिनट, किधर, क्या, कहाँ चलते? लेबर नाके पे, लेबर लेने के लिए जाना है ना। लेकिन आप कहाँ कमेटी में? जेठालाल मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। वो कमेटी अलग, ये कल जो नई कमेटी बनी जिसमें मैं, भिड़े और बबीता जी है ना, उसमें आप नहीं है ना? हाँ हाँ, वह क्या है, बबीता दूसरे काम में बिजी है, इसलिए उसकी जगह पे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा चलता है? क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आप कमेटी में नहीं है फिर भी आप आ रहे हैं ना, तो मैं खाली भिड़े को पूछ रहा हूँ कि ऐसा चलता है क्या? हाँ हाँ चलता है ना। अरे क्या चलता है, अभी वो सतरंगी नहीं आया था तो आप लोग कमेटी में थे, फिर भी आप लोगों ने मुझे बुलाया ना, मैं सो रहा था फिर भी जगा के बुलाया, क्यों? क्योंकि मैं कमेटी में हूँ और मैं भी आया था ना, है? मैंने थोड़ी अपनी जगह पे दया को भेज दिया था। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बबीता जी, हाय, गुड मॉर्निंग बबीता जी, चलिए आइए ना, आप लोगों को नहीं पता कि मैं नहीं आ रही हूँ। अरे बोला मैंने बबीता कि मैं तुम्हारी जगह पर आ रहा हूँ, लेकिन जेठालाल बोला जो कमेटी में नहीं है वो नहीं आ सकता है, जो है वो आ सकता है। जेठा जी, एक्चुअली सप्तरंगी ने हम सबके घर के जो प्लान्स बनाए थे, मैं उसे चेक करके ये देखना चाह रही थी कि हम सबके घर में क्या क्या काम बाकी है, इसलिए मैंने अय्यर को कहा कि मेरी जगह तुम चले जाओ। हाँ कोई 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 बात नहीं, वैसे भी आप कमेटी का ही काम कर रहे हैं ना, है? तो भिड़े, मैं क्या कह रहा था, ये तीनों को जाने की जरूरत है? हाँ मतलब जरूरी नहीं है सर, ठीक है काम करते हैं। अय्यर तुम यहाँ पे रुको, मैं और जेठालाल जाके आते हैं। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि तू और अय्यर भाई जाके आओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं, नहीं नहीं, जब ऐसा ही है तो मैं क्या बोलता हूँ कि आत्माराम तुम यही रुको, मैं और जेठालाल जाकर आते हैं। अरे काय चल रहे तुमसे, तुम रुको मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ तुम रुको, यहाँ पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, वहाँ पे लेबर लोग चले जाएंगे नाके से। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, चलो चलते तीनों मिलकर साथ में। हाँ चलिए बबीता जी। वो मैं तो नहीं, 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 मेरा मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जाके आते हैं। हाँ, हाँ, चलो चल। टप्पू के पापा। हाँ बोल। अरे बोलना भाई क्या है? वो आज अपने दांत साफ किए थे। अरे आज क्या होता है, रोज मैं दांत साफ करता हूँ। दांत सब किससे करते हैं? दया ब्रश से। बाबा किसी, क्यों क्या हुआ? वो मैं आपको बताना भूल गई। क्या वो क्या है कि आप जो ब्रश का उपयोग करते हैं ना, उसके थोड़े छूछने उड़ गए थे, तो कल रात को मैंने वो ब्रश से पूरा वॉश बेसिन साफ किया
था। माय गॉड, मतलब तुमने उस ब्रश से? अरे नहीं भाई नहीं दया, मैं पिछले 3-4 दिन से नया ब्रश से ब्रश कर रहा हूँ भाई। नया ब्रश? हाँ वो लाल वाला है ना, उससे। जी थैंक यू। वो क्या है, मुझे अचानक याद आया ना, तो मुझे जरा टेंशन हो गया था इसलिए पूछा आपको। बस जल्दी याद आया तुझे। खैर अभी तो टेंशन लेना और देना बंद कर और हमको जाने दे। तो जाइए ना, मैंने कहा आपको रोक कर रखा है। चलिए बबीता जी, हम लोग जाके आते हैं। ओके ओके ओके। भाभी हाँ, हम सब लेडीज एक बार मिलके ना सबके घर का प्लान एक बार चेक कर लेते। ओके हाँ ठीक है। अरे अरे वाह सोड़ी, अरे अच्छा तुम आ गए, हमें जरा नाके तक छोड़ोगे प्लीज? नेके और पूछ पूछ, और यारो इसी के लिए तो मैं आया हूँ। मैंने पता था और सवेरे सवेरे नाके पे जाके मजदूरों को लेने जाना है, इसलिए मैंने गैराज पे जाके अपने सब बंदों को सारा काम समझा दिया। चलो चलो जल्दी गड्डी में बैठो, मजदूरों को नाके से लेके आते हैं। तो यारों का यार है दोस्त। सोड़ी जरा जल्दी भगा गाड़ी भाई, अगर लेट हो गया ना तो मजदूर लोग चले जाएंगे काम पे। हाँ पिटो, उसके लिए जल्दी आने का, लेट नहीं करने का। मेरे से तो आइए हुआ है जेठालाल। मैं किधर लेट हुआ, जब तुम लोग निकल रहे थे तब मैं आ गया था। हाँ तो फिर आपकी राह देख देख के निकले, कितनी राह देखेंगे आपकी? तो मेरा वेट क्यों कर रहे थे? और मैं तो आने वाला भी नहीं था, बबीता आने वाली थी। तो फिर आप क्यों आए? बबीता जी आते तो एकदम टाइम पे आते। ये बहस छोड़ो ना भाई, पर तुम क्यों रुके भाई, चलो ना तुम। अपयो, जैसे ये शिक्षक कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता, ऐसी थोड़ी ये सिग्नल कभी नहीं तोड़ेगा। ना लंबा सिग्नल है ये। सिग्नल बराबर है भाई, जब हमको लेट हो रहा होता है ना तो सिग्नल लंबा लगता है, इसलिए हमेशा टाइम पे आने का। चलो हो गया, फिर हो गया। ओए कार क्या रहा है, अंधा है क्या, तेरे को रेड लाइट दिखती नहीं क्या? ए, अंधा किसको बोलता है? अरे तुम क्या बोल रहे हो भाई, एक तो बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हो, सिग्नल भी नहीं देखते हो, एक्सीडेंट हो जाता था अभी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो नहीं ना? अरे ऊपर से उल्टा जवाब दे रहे, देखो। ओए एक तो गलती करता है, ऊपर से उल्टे जवाब दे रहा है। मेरी गड्डी को अगर एक भी खरोच लग जाती ना तो मैं तेरे को छाटता नहीं। अरे तेरी गाड़ी को खरोच आई तो नहीं ना, तो फिर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहा है? ओए तूने मेरी गर्मी अभी देखी कहाँ है, अभी दिखाता हूँ तेरे को अपनी गर्मी। सॉरी गर्मी नहीं, नरमी नरमी। सॉरी सॉरी सॉरी, देख हमको लेट हो रहा है, जाने दे जाने दे। ओ ऐसे कैसे जाने दे, ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, इन लोगों के तो लाइसेंस जब्त हो जाने चाहिए। अरे वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हारा। अरे हवलदार साहब, ये बाइक वाला रेड लाइट तोड़ के हमारी गड्डी के सामने आ गया। एक तो हेलमेट नहीं पहनता है, ऊपर से होशियारी दिखाता है, लगाओ इसको एक बचा फाइन। वो सब मैं देख लूंगा, पहले आप अपनी गाड़ी निकालिए। हाँ भाई, बोले भाई जरा बाजू में आ जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर जो लेबर लोग नहीं मिले तो हमको हमारे नानी याद आ जाएगी। चलो अभी चलो यहाँ, चलो 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 चल भाई, घूर के देखते रहे, चल बाजू। आप निकलो। हाँ जी हाँ, भाई साहब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, यहाँ पे पाउडर कर लिए ना, वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एक में सेक्रेटरी हूँ। ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, वहाँ के सदस्य है, और ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोड़ी, और ये है। अरे चलने भाई, तो सबके पहचान कराने कहाँ बैठ गया भाई, सीधे काम की बात करना। हाँ, काम की बात ये है कि दरअसल हम हमारी सोसाइटी में ना इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें मजदूर लोग चाहिए, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। कितने लोग चाहिए आपको? कम से कम 25 से 30 लोग चाहिए।
25-30 लोग, बहुत बड़ा काम है क्या? हमारी सोसाइटी के सब फ्लैट में सब काम करना है, फ्लोरिंग, टाइलिंग, सीलिंग, कारपेंटरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ हाँ, वैसे थोड़ा काम हो चुका है। थोड़ा काम हो चुका है मतलब किसी ने आपके घर का काम आधा छोड़ दिया? हाँ, लगता है इन लोगों ने कुछ पैसे का लफड़ा किया होगा। कौन इतना बड़ा काम को छोड़ता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, पैसों का कोई लफड़ा नहीं है। क्या हुआ, जो भाई साहब ये सब काम देख रहे थे ना, उनकी अचानक शादी तय हो गई, वो भी अमेरिका में। वो तो बेचारे ये अधूरा काम छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनको खुशी खुशी विदा किया और बोला कि आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग यहाँ हमारे बलबूते पे सब काम पूरा कर लेंगे। आप पैसे का कोई टेंशन मत लो, आपका जो भी बिल रहेगा वो हम लोग दे देंगे। आपकी जो भी रोजी रोज के रोज मिल जाएगी। यारो, ये लोग अधूरा काम सुनकर कि गुलाटी कितना गुलाटी तो नहीं मान लेंगे। अरे मेरे को तो लगता है ये लोग ना बोल देंगे। अरे यार भाई, सुप सुप बोलो भाई, ये बबीता जी आने चाहिए थे हमारे साथ। देखिए, इतना बड़ा काम है तो हमें हमारे मुकदम से पूछना पड़ेगा। हमारे मुकदम से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए मुकदम से, कहाँ है, हम बात करते हैं उनसे, कहाँ है वो। हाँ बुलाओ, किधर है, बुलाओ। वो आ गए हमारे मुकदम बाबू भाई। वो आ गए हमारे मुकदम बाबू भाई। जाला अपन दिला दम तो निकाला मुका दम। सॉरी सॉरी छोटी, तू जरा शांत रहना। हाँ प्लीज भाई। अच्छा तो तुम लोग यहाँ तक आ गए दीवार तोड़ के? और ना जी ना, हमने क्या दीवार तोड़ी, तोड़ा तो आपने सिग्नल। कितना 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 बढ़िया सिग्नल तोड़ा जी, मेरी गड्डी को एक भी खरोच नहीं आई। तपस्या लगती है ऐसा करने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या टैलेंट है, तपस्या सॉलिड सॉलिड। फिर भी फाइन दिलवा दिया ना, अब क्या बाकी है, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? दादा ये लोग अपने घर में काम करवाने के लिए आए। हाँ। कोई इनके घर पे काम करने नहीं जाएगा। क्यों दादा क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, बरसों से सिग्नल तोड़ता आया हूँ, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज इन लोगों की वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे नाम की पावती फटी है। दीवार तोड़ के कोई काम पे नहीं जाएगा इनके यहाँ। साला आता, अब मजदूर किधर से लाएंगे? कहते हैं आदमी की किस्मत खराब हो तो वो ऊंट पे भी बैठ के जाए ना तो कुत्ता काट जाता है। यही हाल गोकुलधाम वालों का है। अनजाने में इन्होंने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है, यानी कि मुकादम से पंगा ले लिया है और मुकादम ने अपने सारे कारीगरों को काम न करने की हिदायत दी है। अब देखना ये होगा कि ये रिनोवेशन का रुका हुआ काम आगे कैसे बढ़ेगा, क्या मुकादम मान पाएगा या नहीं मान पाएगा। भाई जैसे गुड़ के आसपास चींटियां आगे चिपक जाती है ना, ठीक वैसे ही गोकुलधाम वाले मुसीबतों को इनवाइट करते हैं और मुसीबतें उनके पास आगे चिपक जाती है। अब देखना यह है कि मुसीबत से कैसे निकलेंगे गोकुलधाम निवासी, क्या वो मुकादम को बना पाएंगे, क्या कारीगर काम करेंगे, क्या रिनोवेशन का काम आगे बढ़ेगा और मुकादम को बनाने के लिए जेठालाल को कितने पापड़ बेलने होंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।